जोधपुर में 2 मई की रात और 3 मई की सुबह हुई हिंसा, ये वही जगह है जालौरी गेट का सर्कल जहां पर ये झंडा लगाने को लेकर हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज कर्फ्यू का 5वां दिन है और चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए जवान तैनात है, आने जाने वालों की जाँच पड़ताल कर रहे हैं और इनको लेकर जो भी बिना काम से यहाँ से निकल रहा है उसकी उससे पास की जांच की जा रही है और ये पूरी जांच करने के बाद ही आगे भेजा जा रहा है। खासतौर से जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू की पालना के लिए सभी जगह जवान खड़े हुए हैं और अभी इस समय देखा जाए तो तापमान की बात करें करीब 44 डिग्री से ज्यादा है, आग उगल रही है धरती और साथ में सुरक्षा के लिए ये जहाँ से आप देख सकते हैं काफी सारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं और यहाँ पे ये जो भी कोई यहाँ पहुंच रहा है उससे पूछताछ कर रहे हैं, बिना काम से किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे, भवन बताओ आपको कितने घंटे की ड्यूटी है और इतना तापमान में आप खड़े हैं। सर जी, हमारे 8 घंटे की ड्यूटी कर चुके हैं हम लोग और इस ड्यूटी के दौरान मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर 45 डिग्री पार हो चुका है टेम्परेचर और अगर एक पानी की बूंद भी अगर जमीन पे गिरा दी जाए तो चंद सेकंड में पानी सूख लेता है, सोख लेता है। तो मैं ये अपने आप को बहुत ब्रेव महसूस करती हूँ कि है ना, हमें लोगों की सुरक्षा के लिए ये मौका मिल रहा है। मैं और मेरे साथी हम लोग कर रहे हैं मेहनत और लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ। जिस तरह से ये जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हैं और अपनी ड्यूटी जो निभा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह के तापमान में लोग अपने पंखों से हवा खाते हैं उस दौरान ये शहर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की बोतल भी उनके पास है, उनको थोड़ा सा ये पानी डाल के दिखाइए किस तरह की स्थिति है। अब आप देखेंगे पानी डालते ही कुछ ही क्षणों में सूख रहा है क्योंकि आग उगल रही है और ऐसे ही समय में ये ड्यूटी पर तैनात है। हाँ बेटा दुर्गा जी बताइए, आप ड्यूटी पर खड़े हैं तो कितनी गर्मी है? सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, हम खड़े रह रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ही गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। खुरसाने वाली गर्मी का दौर जारी है, ये देखा जाए तो जवानों को हाथों में एक लट भी है और इनको सबसे बड़ा जिम्मा है इनके ऊपर सुरक्षा देना, शहर की सुरक्षा के लिए तैनात है और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए। जोधपुर से करणपुरी एबीपी न्यूज़।